हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेम नारंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्वे से रिलेटेड सभी ट्रिक्स। तो अगर आप अपना एक नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे फर्स्ट फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें कि कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, इसके मेन दो एग्जाम्पल हैं ल्यूकोसोलिनिया एंड साइकन। मेन जो एग्जाम्पल हैं वो दो ही हैं, ल्यूकोसोलिनिया एंड साइकन, जिसको स्पंज भी बोलते हैं। और इसको याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, ले मुला एसपी तुला। कौन सी लाइन याद रखेंगे आप? ले मुला एसपी तुला। ले से हो जाएगा ल्यूकोसोलिनिया, तुला से हो जाएगा पेरेन्काइमुला, पेरेन्काइमुला लार्वा। एसपी एसपी यानी कि स्पंज, और स्पंज किसको बोलते हैं? साइकन। वैसे तो इस फैमिली के जो सभी एग्जांपल हैं उनको स्पंज बोला जा सकता है, पर यहाँ पर हम एस स्पंज और एस साइकन, और इसका एसपी तुला एम्फीब्लास्टुला, इसका लार्वा हो जाएगा एम्फीब्लास्टुला। आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फाइलम निडेरिया, और इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं ओबिलिया और ओरिलिया। ओबिलिया को आप सी फर भी बोलते हैं। इसकी लार्वे का नाम हो जाएगा प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा। नेक्स्ट है ओरिलिया, जिसको जेलीफिश भी बोला जाता है, और इसकी लार्वे का नाम हो जाएगा इफायरा लार्वा। इस ट्रिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि मैंने समुद्र यानी कि सी अभी तक नहीं देखा है, और मैं चाहती हूँ कि मैं सी देखूँ। और मैक्सिमम सभी लोग चाहते हैं कि वो एक ना एक बार समुद्र यानी कि सी को जरूर देखे। मतलब समुद्र में ये एक्साइटमेंट रहता है कि पानी कहाँ से कहाँ तक बह रहा है, जहाँ तक आप नज़र दौड़ा रहे हैं बस पानी ही पानी है, तो उसे देखने का एक चाव रहता है। तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि अबे सी देखने का प्लान बनाते हैं, अबे सी देखने का प्लान बनाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि सी फर ओबिलिया का कॉमन नेम होता है, और इसके लार्वे का नाम है प्लेनुला लार्वा। ये सब जीव मैक्सिमम समुद्र में ही मिलते हैं। नेक्स्ट है ओरिलिया, जिसको जेलीफिश कहते हैं। तो आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि हम सी देखने जा रहे हैं, पर वहाँ पर जब जाएंगे तो वहाँ पर हम और फिर वहाँ पर जेलीफिश भी देखेंगे, क्योंकि जेलीफिश एक अपने आप में ही इंटरेस्टिंग वर्ड है और एक इंटरेस्टिंग स्पीसीज है। तो आप बोल रहे हो कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर हम क्या देखेंगे? जेलीफिश भी देखेंगे। हमारा सी देखने का प्लान है, पर हम वहाँ पर जाकर जेलीफिश भी ज़रूर देखेंगे। तो आप इसको रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम टीनोफोरा, जिसमें सिर्फ एक ही लार्वा है, सीडीपिड लार्वा। इस लार्वा को याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना वर्ड याद रखना है, तीन पिद्दी, तीन पिद्दी। देखो तीन तो आ जाएगा आपका टीनोफोरा में, तीन, और पिद्दी सीडीपिड पिद, तो आपको रिलेट करना है तीन पिद्दी से। बस हो गया आपका काम। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, अगर आप इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये कभी कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम प्लेटीहेलमिंथीस, और इसका फर्स्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है फैसियोला हेपेटिका, जिसको लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। तो इसमें 7 डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है एग्स, फिर मेरासीडिया, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडियस सर्केरिया, मेटासर्केरिया, और फिर उसके बाद कन्वर्ट होता है ये एडल्ट में। तो इसमें 7 स्टेजेस होती हैं, पर जो एग्स और एडल्ट हैं उसको छोड़कर इसमें 5 लार्वल स्टेजेस हैं, जिनको हम ट्रिक के द्वारा लर्न करेंगे। इसको याद करने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, मुलायम सिंह राठौड़ सरक मिटे। इसको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे लाइन को, मुलायम सिंह राठौड़ सरक मिटे। मुलायम से हो जाएगा मेरा सीडियम, सिंह से हो जाएगा स्पोरोसिस्ट, राठौड़ से हो जाएगा रेडिया, और सरक से हो जाएगा सर्केरिया, और मिटे से हो जाएगा मेटा सर्केरिया। आपको इसके सभी लार्वा एज इज एकदम सीरियल वाइज याद हो गए कि फर्स्ट लार्वा कौन सा है, सेकंड लार्वा कौन सा है, और लास्ट लार्वा कौन सा है। नेक्स्ट नंबर टू एग्जांपल है टीनिया। टीनिया की दो मेन स्पीसीज होती हैं, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा। आप जानते होंगे कि टीनिया सोलियम पिग में मिलता है, पिग में डिसीज करता है, और टीनिया सेजिनाटा ह्यूमन में। आप जानते हैं कि इसकी संरचना फीते के समान होती है, और इसको फीताकर्मी भी बोला जाता है। इसके लार्वा याद रखने के लिए आप छोटी सी लाइन याद रखनी है, ओन हिज बिग सिस्टर। ओन से हो जाएगा ओनकोस्फियर, हिज से हो जाएगा हेक्साकेंथ। ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए रखे हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि ओनकोस्फियर बराबर हेक्साकेंथ। बिग से हो जाएगा ब्लेडर वॉर्म, और सिस से हो जाएगा सिस्टिक सर्कस, सिस्टिक सर्कस। आपको ये मैं बता दूँ, इसमें जो मोस्टली पूछा जाता है वो सिस्टिक सर्कस लार्वा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एस्केहेलमिंथीस, और इसके दो मेन एग्जांपल हैं एस्केरिस और वाउचेरिया। एस्केरिस मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस से थोड़ा छोटा होता है, उसी तरह
वाउचेरिया भी मेल वाउचेरिया फीमेल वाउचेरिया से थोड़ी छोटी होती है। सबसे पहले इस फाइलम का फर्स्ट एग्जांपल याद करेंगे, एस्केरिस। तो इसका जो लार्वा होता है वो होता है रैबडिटी फॉर्म लार्वा। इसको याद रखने के लिए आप एक सिंपल सी बात याद रखेंगे कि अगर हम कुछ आस्क करते हैं, हमें किसी से कुछ पूछना है, तो हमें वो किससे पूछना चाहिए? रब से। ओनली हमें अपना दुख सुख किसके साथ बांटना चाहिए? रब से। हमें अपनी प्रॉब्लम सिर्फ किससे डिस्कस करनी चाहिए? रब से। तो आस्क किससे करना चाहिए? रब से। तो बस इतनी सी ट्रिक है, आस्क रब। आस्क से हो जाएगा एस्केरिस और रब से हो जाएगा रैबडिटी फॉर्म लार्वा। नेक्स्ट है वाईफाई। मैंने आपको इसका मतलब डिसीज याद कराने के लिए भी याद कराया था कि वाईफाई, वाई से हो जाएगा वाउचेरिया और फाइल से हो जाएगा फाइलेरिया। इसीलिए इसको फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा डिसीज होती है फाइलेरिया। अब हमें इसका लार्वा याद करना है, तो वाईफाई ही सेम ट्रिक काम करेगी। वाई से हो जाएगा वाउचेरिया और फाइल से हो जाएगा माइकोफाइलेरिया। तो ये वही ट्रिक काम करने वाली है, बस आप इसको देख लेंगे। हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम एनिलिडा, और इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है अर्थवर्म, जिसमें कि कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। हम टीजीटी में दिए गए सभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ किसमें लार्वा अब्सेंट है और किसमें नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल है नेरिस। फाइलम एनिलिडा के एग्जांपल को याद रखने के लिए आप सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे, अर्थ नहीं नारी तोड़फोड़। अर्थ यानी कि अर्थवर्म, आपको नहीं से याद आ जाएगा कि अर्थवर्म में कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद है नारी तोड़फोड़, नारी से हो जाएगा नेरिस और तोड़फोड़ यानी कि ट्रोकोफोर लार्वा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नारी यानी कि लेडीज, नारी भी क्या कर सकती हैं? तोड़फोड़ कर सकती हैं। मेल क्या करता है? गुस्से में अब्यूज़ करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है, पर नारी मैक्सिमम क्या करती है? तोड़फोड़ करती है, अपना गुस्सा कुछ चीज़ें फेंक वेंक के ही निकाल लेती हैं। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि नेरिस का क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आप जानते हैं इसमें ये सबसे बड़ा फाइलम होता है और इसमें बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह आते हैं, पर जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ तीन ही है, हाउस फ्लाई मॉस्किटो और बटरफ्लाई। हाउस फ्लाई को आप जानते हैं मस्का भी बोलते हैं, और इसके लार्वे का नाम होता है मैगोट। नेक्स्ट है मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी कि मच्छर, और उसके लार्वे का नाम होता है रिंगलर। थर्ड है बटरफ्लाई, और इसके लार्वे का नाम होता है कैटरपिलर। बटर और कैटर ये तो रेमिंग वर्ड है, आपको याद रहेंगे। और हाउस फ्लाई इसको याद रखेंगे आप, इसको आप याद रखेंगे MM से, डबल M। और फिर है मॉस्किटो और रिंगलर, इसको MW से याद रखेंगे आप, MM और MW। और बटर और कैटर ये दोनों क्या है? रेमिंग वर्ड है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम मोलस्का, और इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं इसके वो हैं पाइला और यूनियो। पाइला संख्याकृति का होता है, जबकि यूनियो थोड़ा चपटा होता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पाइला को। पाइला के लार्वा का नाम होता है ब्लेजर, और यहाँ पर हमने इसकी क्लास भी दी हुई है, क्योंकि कई बार इन दोनों की क्लास भी पूछ ली जाती है। तो पाइला जो है वो गैस्ट्रोपोडा क्लास का सदस्य है। तो आप कैसे ध्यान रखेंगे इसको? कि जो ब्लेजर है यानी कि जो गाँव वाले हैं, वो अपने गेस्ट को क्या करते हैं? ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं, ज़्यादा अवगत करते हैं। अभी भी आप जानते ही होंगे कि सिटी के कंपेयर में जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादा अवगत करते हैं लोगों की, वो अपने गेस्ट को ज़्यादा मानते हैं। तो बस इतनी सी ट्रिक है, ब्लेजर क्या करते हैं? गेस्ट को खिलाते पिलाते हैं। तो पीना, तो पिलाने से हो जाएगा पाइला, और ब्लेजर यानी कि ब्लेजर लार्वा, और गेस्ट से हो जाएगा गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट है यूनियो। यूनियो इसमें क्या आ रही है? एक ऊन की आवाज़ आ रही है, ऊन, यूनियो। ऊन से कौन खेलता है? चाइल्ड खेलते हैं उनसे। इसमें देखो चाइल्ड मिल रहा है ना, ग्लोचिडियम, ग्लोचिडियम लार्वा। उसके बाद है बाइवेल्विया, बोल बना के खेलते हैं। बाइवेल्विया कैसे खेलते हैं? उनसे क्या करके खेल सकते हैं? उनसे वैसे भी बोल बना के ही खेल सकते हैं ना। तो आप यूनियो, ऊन की आवाज़ आएगी, आप एकदम समझ जाएंगे कि ये क्या है। ऊन से क्या बनाई थी? बोल बनाई थी। क्लास याद आ जाएगी, और क्लास से क्या आ जाएगा? उनसे कौन खेलेगा? चाइल्ड खेलेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि ग्लोचिडियम लार्वा है इसका। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और इसका एग्जांपल है स्टारफिश। जैसे कि यहाँ पर मैंने इमेज लगाई हुई है, आपको यहाँ पर इसकी, आपको यहाँ पर स्टारफिश की ब्रांचेस में पिन जैसी संरचना दिख रही होंगी, यहाँ पर छोटी छोटी पिन जैसी संरचना। आप इसको अपने दिमाग में मतलब एकदम से ध्यान रखेंगे कि स्टारफिश में क्या होती है? पिन जैसी संरचनाएँ होती हैं।
तो आप पिन जैसी संरचना से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि स्टार फिश के लार्वा का नाम है बाइपिनेरिया लार्वा। नेक्स्ट है हेमिकोर्डेटा, इसमें होता है ब्लेनोग्लासिस और इसके लार्वे का नाम होता है टोर्नेरिया लार्वा। अगर हमें कोर्डेटा यानी कि कोई अगर हमें कोई बेलन मारे तो हमें क्या कर जाना चाहिए, टर्न कर जाना चाहिए। या मोस्टली क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, टर्न कर ही जाएंगे। अगर कोई हमें बेलन मार रहा है तो हम अपने आप ही टर्न कर जाएंगे उससे बचने के लिए। तो इससे आपका हो जाएगा ब्लेनोग्लासिस से इसका लार्वा बन जाएगा टोर्नेरिया लार्वा। और बेलन हमें किस में लग रहा था, बेलन किसे लग रहा था, बेलन हमें लग रहा था। आप ये भी याद रख सकते हैं कि हेमिकोर्डेटा का एग्जाम्पल होता है ब्लेनोग्लासिस और उसके लार्वे का नाम है टोर्नेरिया लार्वा। नेक्स्ट है कोर्डेटा, इसमें तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं फ्रॉग, हार्मानिया और एम्बियोस्टोमा। फ्रॉग का लार्वा होता है टैडपोल जो कि आप जानते ही होंगे। उसके बाद हार्मानिया का लार्वा है एसीडियन। तो आप इसको रिलेट करेंगे कि जो व्यक्ति हार्ड वर्क करता है या जब व्यक्ति हार्ड वर्क कर लेता है तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि थोड़ा देर एसी में आराम कर लिया जाए, मतलब उसका मन करता है कि एसी में चला जाए। तो हार्मानिया का लार्वा होगा एसीडियन। उसके बाद है एम्बियोस्टोमा, इसमें आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा अम्बे। और अगर अम्बे हमारे साथ हैं तो हमारा टोटल वर्क काम बनता ही चला जाता है, सब टोटल काम अच्छा ही अच्छा होता है। तो एक्सोलोटल, अम्बे हमारे साथ है तो क्या हो रहा है, एक्सोलोटल यानी कि टोटल काम हमारा अच्छा ही हो रहा है। आपको ये ट्रिक बड़ी अटपटी सी लग रही होंगी पर आपको ये लर्न हो रही है। चलो अब देख लेते हैं कि ट्रिक्स हमें कितनी लर्न हुई हैं। हमारी फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड ट्रिक थी लेमुला एस्पितुला। तो ले किस में आ रहा है, ल्यूकोसोलेनिया में, और मुला पेरेन्काइमुला यानी कि ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा है पेरेन्काइमुला। उसके बाद है एसपी यानी कि स्पंज साइकन। साइकन का लार्वा है एम्फीब्लास्टुला, एस्पितुला यानी कि, तो तुला आ रहा है एम्फीब्लास्टुला में। तो ये हमारे क्लियर हैं। उसके बाद है निडीरिया। अबे सी देखने का प्लान बनाते हैं, हमने ऐसे करके इसको रिलेट किया था तो ओबेलिया हो गया। ओबेलिया के अलावा इसका एग्जांपल है सी एनिमोन, तो ये भी हमें याद रह सकता है, सी देखने का प्लान हमने बनाया ही था। और फिर जेलीफिश भी देखेंगे, ओरिलिया और जेलीफिश ये भी याद है। और फिर यानी कि इफायरा लार्वा, ओरिलिया का लार्वा क्या है, और फिर इफायरा लार्वा। और अबे सी देखने का प्लान बनाते हैं, ओबेलिया और सी एनिमोन का ओबेलिया और सी एनिमोन के लार्वे का नाम है प्लेनुना लार्वा। क्या बनाते हैं, हम प्लान बनाते हैं और फिर जेलीफिश भी देखेंगे। ये सब क्लियर हो गए हमें। उसके बाद है टीनोफोरा, इसकी हमारी ट्रिक थी तीन पिड्डी, तो यानी कि सीडीपिड। टीनोफोरा का लार्वा कौन सा है, सीडीपिड लार्वा। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमेंथीस और इसकी हमारी ट्रिक थी मुलायम सिंह राठौर सड़क मिटे। और इसकी ट्रिक से हम सभी लार्वा के नाम सीरियल वाइज याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इसका फर्स्ट लार्वा कौन सा है, सेकंड लार्वा कौन सा है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन इसी ट्रिक से, ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि मुलायम सिंह राठौर सरक मिटे, फर्स्ट हो जाएगा हमारा मीरा सीडियम, मेटा सरक्रिया लास्ट होगा क्योंकि मिटे लास्ट वर्ड है। तो आप इससे यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि मिटा यानी कि मेटा सरक्रिया, मुलायम यानी कि मेरा सीडियम। फर्स्ट है हमारा मेरा सीडियम, सेकेंड है हमारा स्पोरोसिस्ट मुलायम सिंह राठौर, तीसरा है हमारा रेडिया, फिर है सरकेरिया और मेटा सरकेरिया। नेक्स्ट है एसकी हेलमेंथीस, या कहीं कहीं नेमेटोडा या नेमी हेलमेंथीस भी दिया जाता है इसका नाम। तो इसके एग्जांपल हैं एस्केरिस और वाउचेरिया। हमने इसको याद किया था वाई फाई से, यानी कि वाउचेरिया का लार्वे का नाम है, वाउचेरिया के लार्वे का नाम है माइक्रोफाइलेरी। और इसको फाइलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि फाइलेरिया डिसीज उत्पन्न करती है। ऐसे है इसकेरिस यानी कि राउंड वॉर्म। हमने आस्क करना है, हम अपनी प्रॉब्लम आस्क यानी कि सिर्फ किससे पूछेंगे, रब से। इसके लार्वे का नाम है रैपिडिटी फॉर्म लार्वा। नेक्स्ट फाइलम है हमारा एनिलिडा और इसकी हमारी ट्रिक थी अर्थ नहीं नारी तोड़फोड़। मींस इसमें जो एग्जांपल है अर्थ वॉर्म, उसमें कोई लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। और नेक्स्ट है हमारा नेरिस, इसमें प्रेजेंट लार्वे का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। और इसकी हमारी ट्रिक थी कि नारी भी तोड़फोड़ कर सकती है, अगर नारी को गुस्सा आए तो वो तोड़फोड़ भी कर सकती है। नेक्स्ट है ब्लेडर वॉर्म और हेक्साकैंथ, ये टीनिया सोलियम
आपने इसकी ट्रिक याद की थी, ओन हिज बिग सिस्टर, टोक्सहन, ब्लिडरबॉम, हेक्साकेंथ और सिस्टी सर्कस, ये सभी टीनिया के लार्वा हैं। आप इसे ये भी रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ओन हिज सिस्टर, कौन सी सिस्टर का नाम क्या है, टीना, टीना से हो जाएगा आपका टीनिया सोलियम। नेक्स्ट है वाईफाई, यानी कि वाउचेरिया माइक्रोफाइलेरियस लार्वा किसका है, वाउचेरिया का, इसकी ट्रिक है वाईफाई। नेक्स्ट है रोब डीटी फॉर्म लार्वा, यानी कि हम आस्क किससे कर रहे थे, रब से कर रहे थे, तो आस्क यानी कि स्कैरिस। नेक्स्ट है मैगोट, मैगोट का हमारा है मस्का या हाउस फ्लाई, जिसको बी भी बोलते हैं, बीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कैटरपिलर और बटरफ्लाइज, कैटर और बटर, इनमें रेमिंग वर्ड है। और नेक्स्ट है हमारा ग्लोचीडियम, चाइल्ड की आवाज़ आ रही है, और चाइल्ड किससे खेल रहा था, ऊन से, यानी कि यूनियो। नेक्स्ट है व्लेजर, और व्लेजर किसका है, हम अपने किसको खिलाते पिलाते हैं, पाइला, और पाइला किसका एग्जांपल है, मोलस्का का। व्लेजर लार्वा किसका है, पाइला का। पिन जैसी संरचना किस में पाई जाती है, स्टारफिश में, मीन्स बाइपिनेरिया लार्वा स्टारफिश का। नेक्स्ट है मॉस्किटोज, मॉस्किटो का लार्वा क्या है, रिंगलर और टर्नेरिया। टर्नेरिया हमने क्या किया था कि अगर हमें बेलन पड़े, बेलन यानी कि ब्लेनोग्लासिस, तो ये किसका लार्वा हो जाएगा, हेमिकोर्डाटा का। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।